आप लोग अगर बिना केमिकल का कलर यूज़ किए ऐसे बरगंडी कलर पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग इसे ज़रूर देखिए। मैं जो जो कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ पूरा नेचुरल है और सब कुछ आपके घर में मौजूद रहता है। मैं वही सब इस्तेमाल करके बालों को कलर कर रही हूँ। ये कलर थोड़ा सा कच्चा होता है, बारंबार अगर शैम्पू करेंगे तो चले जाएगा, इसलिए आप रिपीटेडली इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर एक दो महीने के लिए रह जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आज मैं दिखा रही हूँ मैं मेहंदी कैसे करती हूँ बरगंडी कलर करने के लिए। मैं मेहंदी को कैसे भिगोती हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देती हूँ जो बालों को बरगंडी कलर करने में हेल्प करता है। विंटर सीजन आने से पहले, अभी भी पूरा विंटर सीजन आया नहीं है, विंटर सीजन आते आते दिसंबर महीना हो जाएगा, उसके पहले अब अगर इस तरीके से बालों को 3-4 बार कलर कर लीजिएगा तो आपको विंटर सीजन में बालों को कलर करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप नेचुरली कलर कीजिए या केमिकल कलर कीजिए। ठंड तो लगने वाली है कि आप अगर सर पे लगा के आधा घंटा एक घंटा बैठेंगे तो ठंड लगेगी, और नेचुरल कलर करेंगे मेरे जैसा तो 3 घंटा आपको मिनिमम रखना ही है, तो उसमें और भी ठंड लगने की चांसेस रहते हैं। इसलिए अभी ठंड नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ठंड है, तो अभी अगर 10 दिन का गैप दे दे के आप अगर इस तरीके से बालों को कलर कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, आपका जो बाल है बालों को ऊपर एक कोडिंग, उसके बाद और एक लेयर कोड, उसके बाद और कलर लेयर कोड जो गिर जाएगा ना वो आपका 1-2 महीना पूरा आराम से टिक जाएगा। ऐसे भी हम लोग ठंडे के दिन में सर में पानी दे के नहाते बहुत कमती हैं, इसलिए अगर आप अभी से करके बालों को तैयार करके रख देंगे, कलर करके रख देंगे तो दिसंबर जनवरी महीने में आपको कलर करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जिस तरीके से बालों को कलर करती हूँ उस तरीके से अगर आप लोग कलर करेंगे तो आप का बालों का झड़ना भी कमती हो जाएगा, बालों में अगर डैंड्रफ रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा, और बाल तो लंबा होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को बालों में चमक भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कलर को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए एक बीट रूट। पहले आप बीट रूट को धो लीजिए, धो के छिलका उठा के आप इसको छोटा छोटा काट लीजिए, नहीं तो कद्दूकस कर लीजिए। मैं छोटा छोटा काट ली हूँ। काटने के बाद मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी, पीस के इसका रस निकाल लूँगी। ये बीटरूट बालों को बहुत अच्छा कलर देता है, पूरा बरगंडी कलर इससे बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये थोड़ा कच्चा कलर होता है। अगर आप बारंबार इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर आपका बालों में रह जाता है। तो इसके बाद हम लोग को चाहिए चाय का पानी। ये चाय का पानी इस्तेमाल करने से आप बालों में साइन भी आता है और कलर भी आता है, इसलिए थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच चाय का पत्ती दे आप इसको बॉइलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप इसको छान लीजिए। इसके बाद लेना है मेहंदी। मेहंदी तो आप लोगों को पता ही है, जो जिस ब्रांड में यूज़ करते हैं वही ब्रांड आप लोग लेंगे। मेहंदी ले लीजिए, आपका बाल जितना लंबा है घना है आपको जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से आप मेहंदी लीजिए। मैं अपने हिसाब से ली हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लीजिए। उसके बाद उसमें डालना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर भी आप बालों के हिसाब से, कलर के हिसाब से, आप डार्क कलर करना चाहते हैं क्या लाइट बरगंडी कलर करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कॉफ़ी पाउडर लेंगे। इसके बाद आता है कत्था, जो पान में मिला के खाया जाता है और जो पान में मिलाने से जीभ लाल हो जाता है वही है ये चीज़, वो है कत्था। कत्था डालने से
आपके बाल खराब नहीं होंगे, लेकिन बालों में कलर बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर बरगंडी कलर आता है। इसके बाद इसमें चाय का पानी मिलाकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप जो बीट रूट का जूस बना के रखे थे उसको भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए और मिलाते रहिए। अच्छी तरह से मिल जाने के बाद आप इसको ढक के ओवरनाइट रख दीजिए। आप इसको जितना रखेंगे उतना अच्छा है, ओवरनाइट रखने से सबसे अच्छा है, नहीं तो 7 से 8 घंटा आप रख सकते हैं। रात को बना के आप रख लीजिए, सुबह उठ के आप इस्तेमाल कीजिए तो सबसे अच्छा कलर इसमें आता है। पेस्ट ऐसे बनाइए, ज़्यादा गाढ़ा भी मत बनाइए, ज़्यादा पतला भी मत बनाइए, इस तरीके से बनाइए जो आपको बालों में अप्लाई करने में सुविधा हो। और ये मेहंदी का पेस्ट आप जब भी बनाइएगा लोहे के कढ़ाई में बनाइएगा, लोहे का कढ़ाई में बनाने से ही आपका कलर आएगा। आप अगर स्टील में बनाइएगा व कांच का बर्तन में बनाइएगा तो आपका कलर एकदम नहीं आएगा। देखिए अभी से देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका। ये 24 ओवरनाइट रखने के बाद देखिएगा और भी अच्छा इसमें कलर आएगा। इसको रख दीजिए, सुबह उठ के इसका अंदर 1 नींबू का जूस मिला लीजिए। लगाने से पहले इसमें नींबू का जूस मिलाइए। नींबू का जूस मिलाने से आपका अगर डैंड्रफ होगा, इरिटेशन होगा, सर पे बाल झड़ने का प्रॉब्लम होगा, सब कुछ चले जाएगा। इसके बाद नींबू का रस मिलाने के बाद आप इसको अपने बालों में अप्लाई कीजिए। इसको आप हेयर रूट से लेके पूरे बालों में अप्लाई करेंगे। आप रूट में भी इसको लगाएंगे और बालों में भी लगाएंगे, बालों के नीचे तक लगाएंगे, एकदम सर से लेके बालों का आपका जितना लंबाई है पूरा लंबाई को आप इस मेहंदी से कवर कर लेंगे। पूरे बाल में लगाने के बाद आपको इसको मिनिमम 3 घंटा रख देना है। 3 घंटा रखने के बाद आपको फ्रेश वाटर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू नहीं देना है, गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। देखिए मैं 3 घंटा रखने के बाद धो के आई हूँ, मेरे बालों में कितना सुंदर बरगंडी कलर आया है। आप उस दिन हेयर वॉश नहीं कीजिएगा शैम्पू देके, नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग करके हेयर वॉश कर लीजिएगा। इस प्रोसेस को आप 10 दिन अंतर अंतर कर लीजिए, आपका बाल पूरा बरगंडी कलर हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा आप नेचुरल वे से बरगंडी कलर किए हैं, जैसे लग रहा है आप केमिकल कलर यूज़ करके बरगंडी कलर किए हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, और मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।